हाय एवरीवन, अब हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, अक्टूबर के मंथ को। तो फर्स्ट करंट अफेयर को अगर हम देखें तो वो है फास्टैग। फास्टैग का आप सभी को पता है कि वो ऑटोमेटिक आपकी जो अमाउंट है डिडक्ट हो जाती है, जो आप टोल प्लाज़ा में आप चार्जेस देते हैं। पहले हम मैनुअली देते थे, अब एक कार में एक स्टिकर लगा देते हैं वो, जिससे कि ऑटोमेटिक आपकी डिडक्शन हो जाती है और वो वायरलेस होता है। जस्ट वहाँ पर एक इन्होंने टेक्नोलॉजी को लगाया, एम्प्लॉय किया है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और जो ये टेक्नोलॉजी है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। और इसमें दो मेजर टाइप्स आती हैं इस टेक्नोलॉजी में, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव पैसिव में सिर्फ यही फ़र्क होते हैं कि वो इतने चार्जेस उसमें डिडक्ट नहीं होते हैं, उसमें चार्जेस ज़्यादा डिडक्ट होते हैं। मतलब कि उसमें काम करना इजी होता है, एक्टिव में उसमें काम करना इजी नहीं होता। तो ऐसे फ़र्क हैं, तो वो आपको डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम में नहीं पुट की जाएगी आपको। इसमें आपका ये क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जा सकता है कि जो फास्ट टैग है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है। ये हमारा NHAI प्लस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा ये हमारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को इन्होंने एम्प्लॉय किया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं। तो इसमें आपको बस एक ऐप में, कोई भी ऐप जैसे पेटीएम, एयरटेल, इन सभी ऐप्स में आपको पहले से रिचार्ज करना होता है, तो आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, डिडक्शन हो जाती है। तो ये था आपका फास्टैग। अब हम करते हैं टीबी। टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। देखें, हमारे इंडिया में टीबी मिनिमम जो लोगों को होता है हर एक साल 2 लाख से लेके 2 लाख 50,000 तक के लोगों को होता है। तो अभी इंडिया ने एम किया है ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने का कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म किया जाए। पर यूएन ने एक टारगेट किया है, एम किया है ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने का 2030 तक, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट किया है 2050 तक ख़त्म करने का। आप सभी मुझे WHO UN के हेडक्वार्टर, उनके जनरल सेक्रेटरी, इन सभी का नाम बताएंगे, कमेंट करेंगे कि उन सभी का नाम क्या है प्लस हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अभी ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई है जिसमें कि 2/3 मेल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ इसमें, कि जो लोगों को एड्स है, एड्स में काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस और एड्स एक साथ ही हमारे इंडिया में चल रहा है ये। तो 2017 से अगर हम 2018 तक की बात करें, 60% इसका इंक्रीज़ हुआ है। और जो वर्किंग एज ग्रुप है उनको सबसे ज़्यादा है, मेजोरिटी उनकी है, 15 to 69 years तक के लोगों को टीबी है। मतलब ज़्यादा जो मेजोरिटी है उन लोगों के बीच में ये टीबी है। टीबी अगर आप देखते हैं, ये कम्युनिकेबल फॉर्म में आ जाता है आपका, तो ये इसकी वैक्सीन भी आती है, ठीक भी हो जाता है। तो ये सब है। सबसे ज़्यादा जो अगर हम रिपोर्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट में है वो उत्तर प्रदेश में है 20%, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान में है। तो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आई है। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो कोई भी रिपोर्ट में कोई टारगेट बना रहे हैं वो आपको याद करना ही करना है। तो इसमें UN, WHO, इंडिया, तीनों के टारगेट्स आपको याद करने हैं, प्लस हमारे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद करना है। अब आगे देखते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये लीगल रीजनिंग में भी आपका आ सकता है, तो इसलिए हम इसे बार बार देख रहे हैं थोड़ा सा। तो ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होता है, जिसका जेंडर मैच नहीं करता, जिसका कोई जेंडर नहीं पता चलता। तो
तो हम उसको थर्ड जेंडर में लेके आ रहे हैं, उसको ट्रांसजेंडर में लेके आ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? ट्रांस मैन, ट्रांस वूमेन। अगर आप देखते हैं ट्रांस मैन, ट्रांस वूमेन कौन होते हैं, काफ़ी सारे लोग आजकल सर्जरी भी करवानी शुरू कर दी है, एक मेल फीमेल बन जाता है या फीमेल मेल बन जाता है, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स या फिर उनका एक तरह से एक बचपन से ही एक मेल को लगता है कि मैं एक फीमेल हूँ या फिर एक फीमेल को लगता है कि मैं एक मेल हूँ। मतलब उनके जो भी जीन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ जो फ़र्क होता है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो सर्जरी करवाते हैं। जो पर्सन में इंटरसेक्स वेरिएशन होती हैं, जेंडर क्वियर होता है, या फिर उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया में एज अ किन्नर, हिजड़ा, अरवानी या फिर जोगटा, तो इन सभी के नाम को आपको याद करना है। ये पेपर में आपसे कोई भी नाम पुट किया जा सकता है कि ये हम इंडिया में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। अगर हम देखें कि हम काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ में देखें तो कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं होता, हम उनको जॉब्स नहीं देते, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये ट्रांसजेंडर्स का भी राइट है उनको एजुकेशन देना। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर्स हमारे पढ़ते हैं, वहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, उनके लिए एक अलग से, जो हमारा PU है सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अलग से एक वॉशरूम बनाया इनके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, मतलब एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है, एक अलग से उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए एक वॉशरूम बनाया। तो देखते हैं, तो ये एक्ट आया पर उससे पहले ही ये सब शुरू हो चुका था, हमारी मुहिम शुरू हो चुकी थी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काफ़ी कुछ किया जाए। तो एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज में वो एक्सेस कर सकें, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, शेल्टर, वो सभी राइट्स जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 21 है, चाहे वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे राइट्स इनको दिए जाए। तो ये राइट्स इन्होंने देने की इस एक्ट में सलाह की। अगर आप देखते हो कि ये मैंने आपको थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस दिया सारा का सारा, जैसे कि राइट ऑफ रेजिडेंस विद पेरेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो उनको घर से ले लिया जाता है, वो उनको घरों में रहने नहीं दिया जाता, उनको अलग ही कम्युनिटी में रखा जाता है। तो ये प्रोविजंस भी इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें डाली गई हैं, ये प्रोविजंस बनाई गई हैं, तो काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट में। तो मेनली इन्होंने ये 8 चीज़ें हैं, ये आपको 8ों की 8ों चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको एक पढ़नी है, देखनी है, बड़ी ईजी हैं, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, एक्सेस टू गुड अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू पब्लिक, ये सब मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेंट, जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को रेंट पे नहीं दिया जाते हैं प्रॉपर्टीज़, चंडीगढ़ की बात करूँ काफ़ी सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको रेंट में नहीं दिया जाता, तो उनके पास राइट है रेंट में रहने का, अपॉर्चुनिटी टू होल्ड पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस, ठीक है, वो चाहे पब्लिक ऑफिस है चाहे प्राइवेट ऑफिस है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर भी वो एज एन एम्प्लॉयमेंट काम कर सकते हैं। एक्सेस टू गवर्नमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इन हूज केयर और कस्टडी अ ट्रांसजेंडर पर्सन इज़, ठीक है, उनकी केयर और कस्टडी में भी वो रह सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, उन दोनों में ही वो रह सकते हैं। उसके बाद इसमें ये हमारी पनिशमेंट्स भी बता रखी हैं, अगर कोई भी ट्रांसजेंडर को पब्लिक प्लेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पब्लिक प्लेस को यूज़ करने से मना किया जाता है, तो उन लोगों को क्या हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। तो ये था हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, ये हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में भी देखा था ट्रांसजेंडर एक्ट। हाँ जी, अब कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, वो स्कीम्स मैंने एक साथ ही आपको पेन डाउन कर दी हैं, ये स्कीम्स आप प्लीज़ देख लें, एक बार पढ़ लें। स्कीम्स मतलब ऐप, सॉरी, ये एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं वो एक या दो एप्लीकेशन पुट की जा सकती हैं, और ये पुट किया जाता है कि ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है और उसका पर्पज़ क्या है। जैसे मैं आपको फर्स्ट ऐप के नाम बताऊँ, शायत्री हमारी ऐप है, वो इंडियन रेलवे ने किया है। ऑब्वियस, अगर इंडियन रेलवे ने किया है तो इंडियन रेलवे के पर्पस ही होगा उसका। कहते हैं कि आप फाइल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो,
जो भी पीपल हैं रिगार्डिंग द इश्यूज़ जो कि रेलवे के द्वारा लोगों को रेलवे के द्वारा फ़ेस किया जा रहा है, मतलब कोई भी इश्यूज़ हैं जो फ़ेस किए जा रहे हैं रेलवे अथॉरिटी के द्वारा, तो उसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऐप है हिम्मत प्लस, वो हमारी दिल्ली पुलिस ने किया है। तो उसमें क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इन कैब्स। अगर आप देखते हो कि रेप दिल्ली में काफ़ी होते हैं, तो उन रेप्स को रोकने के लिए प्लस क्रिमिनल एक्ट्स को रोकने के लिए उन्होंने ये ऐप बनाई है हिम्मत प्लस, तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने बनाई है। उसके बाद मनी, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी बैंक ने बनाई होगी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो ये जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये बनाई है, ये ऐप बनाई गई है, जैसे कि उनको पता चल जाए कि ये करेंसी नोट कौन से हैं कौन से नहीं हैं, किस तरीके के हैं किस तरीके के नहीं हैं, तो वो सब ऐप मनी ऐप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई है। एम हरियाली, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, इन्होंने बनाई है टू इनक्रेज पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लांटेशन ट्री एंड अदर सच ग्रीन ड्राइव्स, तो इसके लिए ये ऐप बनाई गई है। तो प्लीज़ ये एप्लीकेशंस याद कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने एक साथ ही आपको एप्लीकेशंस पेन डाउन कर दी हैं। हाँ जी, यस, नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, जो ये हेडिंग है, ये हेडिंग इसलिए है क्योंकि एक एनुअल रिपोर्ट आई है यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा ये एक रिपोर्ट आई है। यूनिसेफ का मुझे आप सभी हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पर है, प्लस यूनिसेफ के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो कौन है, वो मुझे लिख के बताएंगे, कमेंट में बताएंगे फटाफट। हाँ जी, अगर आप देखते हो कि ये ऐप बनाई गई है, इस ऐप में आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 आया, जिसमें इंडिया का रैंक 102nd है। कितने कंट्रीज़ में से इन्होंने किया था, 117 कंट्रीज़ में से, मतलब कि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट हमारी हंगर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको पता ही चल रहा होगा। तो इन्होंने जब ये रिपोर्ट बनाई, कहते कि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं हंगर से, 2 in 3 चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर। अगर आप देखते हैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता है, खाने के कारण, बिना खाने के कारण उनकी डेथ होती है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अंडर न्यूट्रिशन हैं, या फिर मतलब आप जब खाना नहीं खाते हैं स्टार्वेशन हो जाती है, तो काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, आपकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपको ना खाने की वजह से आपका वेट लूज़ होता है या ओवर वेट भी हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रिपोर्ट बनाएगी जो कि जॉइंटली प्रिपेयर किया गया कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा, जो कि ये जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई है, एक तो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिकेटर जो इन्होंने बनाया है, किसके ऊपर बनाया है, 4 चीज़ों के ऊपर बनाया है, जो बच्चे अंडर नरिशमेंट के अंदर अंडर आते हैं, या चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर आते हैं, या चाइल्ड वेस्टिंग के अंडर आते हैं, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंडर आते हैं, तो इन 4 इंडिकेटर्स के अंडर इन्होंने ये रिपोर्ट को बनाया है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। हाँ जी, नोबेल प्राइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके, जो कि हमारे प्राइज़ दिए गए हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस दिया है ऊपर कि 1901 एंड 2019 मतलब 2019 तक नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, जो कि इकोनॉमिक साइंस में अवार्ड जो दिया गया है 597 टाइम दिया गया है टू 950 पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है, ठीक है, मतलब कि अभी 1901 से लेकर 2019 तक ये हमारे नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी बार, एक से ज़्यादा बार प्राइज़ दिया गया है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो ये 919 टाइम मिला है
ठीक है, वैसे अगर हम सिंगल सिंगल पर्सन की बात करें तो 597 टाइम्स एंड 24 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ये नोबल प्राइज़। तो अभी हम 2019 की फुल लिस्ट की बात कर रहे हैं कि हमें नोबल प्राइज़ किस किस को मिला है, तो मैंने इसमें कुछ फ़ोटोज़ आपको लगाई हैं, तो इससे आपको फ़ोटो से याद रहेगा कि उसकी शक्ल कैसी है, जिनकी हम शक्ल देख लें तो है ना हम भूल नहीं पाते हैं। तो उनके नेम्स क्या हैं, तो फिज़िक्स की बात करूं, फिज़िक्स में दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस। तो इसके कारण फिज़िक्स में प्राइज दिया गया है जेम्स पेबल को दिया गया है फॉर डिस्कवरीज इन फिजिकली कॉस्मोलॉजी, मतलब उन्होंने कॉस्मोलॉजी की क्या किया, डिस्कवरी की है, थ्योरेटिकली की है। माइकल मेयर एंड डीडर क्यूलोस को दिया गया है, इसमें सोलर टाइप स्टार्स को डिस्कवर करने के लिए एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार, उसके लिए इन दोनों को दिया गया है। तो इनकी ये फोटोज़ जेम्स पेबल, माइकल मेयर एंड डीडर क्यूलोस, तो इन सभी को ये क्या दिए गए हैं, फिज़िक्स में अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में किन किन को मिला है, इनकी फ़ोटोज़ देख लें एक बार। जॉन बी गुडिनफ, एम स्टेनले, कायरा योशिनो, इन सभी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज़। तो ये बैटरीज़ जो लिथियम आयन बनाने के लिए, इन तीनों को अवार्ड्स दिया है। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसन्स में, तीन लोगों को अवार्ड दिया गया है, विलियम जी कैलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ एंड ग्रेग एल सिमेंजा, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर ऑफ हाउ सेल सेंस एंड अडाप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो इस चीज़ के लिए, इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों को क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आपको इन तीनों के नाम, मतलब ऊपर जितने भी मैंने नाम बताए हैं प्लस उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज़ की हैं, आपको वो सब याद करना है। ये मत हो कि आप सिर्फ उनके नाम याद कर लें प्लस ये देख लें कि इनको प्राइज़ किस किस चीज़ में मिला है, नहीं, आपको ये भी देखना है कि इन्होंने क्या किया था। लिटरेचर में दिया गया है पीटर हैंडिक, इनको मिला है फॉर एन इन्फ्लुएंशियल वर्क दैट विद लिंग्विस्टिक, जो लिंग्विस्टिक हमारी क्या होती हैं, वो लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें इनजेनिटी हैज़ एक्सप्लोर्ड द पेरिफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इस चीज़ के लिए इनको क्या दिया गया है, पीटर हैंडिक को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है। तो ये नीचे मैंने लिखा ही हुआ है, तो आप ये चेक कर लें। हाँ जी, उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक साइंस में, जो दिया गया है इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल में दिया गया है, ठीक है, तो ये किनको दिया गया है, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डेफ्लो, माइकल क्रेमर, फॉर द एक्सपेरिमेंटल ऑफ अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2019 किनको मिला है, इन तीन लोगों को मिला है। तो प्लीज़ इनके नाम आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है, तो ये नाम सारे आपको देखने हैं एक बार, याद कर लें, ये पेपर में डेफिनेटली आपको पुट किया जाएगा। तो इसमें कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे कि एम ए अहमद अली, इनको दिया गया है फॉर हिज एफर्ट टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन पर्टिकुलर फॉर हिज डिसिसिव इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर कन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग एरिट्रिया। इनको भी अवार्ड दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2019। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिज़िकली है, तो आप इस एक्ट के अंडर आ जाओगे। कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो या कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है,
डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो आप इस एक्ट के अंडर फॉल कर जाओगे। तो ये एक्ट 1989 में आया था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि अनटचेबिलिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, एबॉलिश कर रखा है, ख़त्म कर रखा है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये एक्ट आया, इस एक्ट में 2018 में अमेंडमेंट की गई। इसमें बोला गया कि एंटिसिपेटरी बेल भी दिया जाए, इंक्वायरी भी की जाए, सब कुछ किया जाए, उसके बाद ही इंसान के ऊपर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च की जाए। इसके बाद अभी सितंबर अक्टूबर में एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, जजमेंट आई। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था तो उसके जो बेंच के हेड थे वो थे हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा। तो इन्होंने साफ साफ बोला, कहते प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, अगर ग्रांट की जा रही है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में की जाएगी। अगर मैं एंटीसिपेटरी बेल मतलब सेक्शन 438 CRPC की बात करूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करूं, सेक्शन 438 की मैं बात कर रहा हूं, तो वो डील करता है एंटीसिपेटरी बेल। जैसे कि एक गुड़गांव स्कूल में एक बच्चे की डेथ हुई थी, मैं एंटीसिपेटरी बेल का आपको एक मीनिंग बता रहा हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि एक बच्चे की मर्डर हुआ था तो उसमें ड्राइवर ने किया था, शायद आप सभी को याद हो, ये अभी 2-3 साल पुरानी ही बात है। रायन इंटरनेशनल स्कूल था उसका नाम। तो उसमें एक बच्चे की डेथ हुई तो उसमें स्कूल के जितने भी डायरेक्टर थे या फिर स्कूल में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर भी शक था। तो स्कूल मैनेजमेंट ने उनमें से 2-3 लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी कि पुलिस ऑफिसर हमें अरेस्ट कर सकते हैं पर हमने कुछ किया नहीं है, पर फिर भी शक होने के कारण अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं तो उसको हम एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। तो अब इन्होंने कहा, कहते कि अब आपको बेल नहीं दी जाएगी एंटीसिपेटरी बेल, पर कुछ कंडीशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर ऑफ रेयर केस में आपको दी जा सकती है। पहले इसमें इंक्वायरी का किया इन्होंने 2018 में, पर अब कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट एनी पर्सन। उसके बाद द अरेस्ट ऑफ पर्सन एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर हमने चार्जेस फ्रेम किए हैं, जिसके ऊपर हमने एलिगेशन लगाया। द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द एक्ट वुड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल, उसको कोई भी अप्रूवल नहीं है लेने की ज़रूरत। तो ये सब चीज़ें, मतलब इसमें ये सब चीज़ें हमारी इन्होंने फिर से क्या कर दिए हैं, चेंजेस कर दिए हैं, अमेंड कर दिए हैं 2018 में जो हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो कि ये एग्ज़ाम में इस बार पक्का डेफिनेटली आ सकता है। इसमें जो अप्रूवल की बात है वो पुलिस ऑफिसर की अप्रूवल की बात है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। द अरेस्ट ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द एक्ट वुड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल, कोई भी पुलिस ऑफिसर को सीनियर ऑफिसर की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप पेन डाउन कर लेना साथ साथ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, सुमन का फुल फॉर्म क्या है, सुरक्षित मैत्रित्व आश्वासन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया, लॉन्च किया। इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट ज़ीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू मदर्स एंड न्यू बोर्न्स। इन 3 लोगों को क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है बिना किसी कॉस्ट में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बोर्न बेबी या फिर मदर अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी। तो इसका 6 मंथ आप जरूर पेन डाउन कर लेना, 6 मंथ पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं।
तो इसमें ये सब चीज़ें हैं, प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम होम टू हेल्थ, जैसे कि हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, तो ये सब है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सेरेंगेटी नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है तंजानिया अफ्रीका में, तो इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। तो यहाँ से काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो वाटर की सर्च में जाते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है कि इसमें कुछ एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ख़त्म हो रही हैं यहाँ पर इस नेशनल पार्क में। वो कौन कौन सी हैं? राइनासोर्स, एलिफेंट, वाइल्ड डॉग एंड चीता। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो आपको बस ये देखना है कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है, और इसको यूनेस्को ने किया है, प्लस ये कौन कौन सी स्पीशीज जो है कम हो रही हैं। ग्रीन महानदी मिशन, महानदी रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अलाइव करने के लिए। वैसे वायरस के कारण काफ़ी सारी हमारी रिवर फिर से अलाइव हो चुकी हैं, है ना, क्लीन हो चुकी हैं, जो कि ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टॉप सॉइल इरोजन ऑन रिवर बैंक्स एंड रिचार्ज द राउंड वाटर रिसोर्स। तो ये हमारा ग्रीन महानदी मिशन है। उसके बाद ध्रुव प्रोग्राम जो कि फर्स्ट बैच अभी इसका निकला है, इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है टू अलाउ स्टूडेंट टू रियलाइज देयर कंप्लीट पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी। और जो ये क्लासेस इन्होंने चूज़ की हैं 9 to 12 तक के बच्चों के लिए ये क्लासेस चूज़ की हैं। इसके बाद इसमें जो ये क्लासेस हैं ये चूज़ की गई हैं। उसके बाद इसका जो टीम्स हैं उनको थीम दी गई है, जो यहाँ की टीम्स होंगी 9 to 12 क्लास के बच्चों की, उनको थीम्स दी गई हैं रेलिवेंट टू इशू बीइंग फेस्ड ग्लोबली लाइक इन्वायरमेंट चेंज, पोल्यूशन, टेररिज्म एक्सेट्रा। इस तरीके की इन्होंने स्कीम्स दी हैं बच्चों को। प्लस इसमें जो 14 डेज़ का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें दो कैटेगरी में किया गया है, साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। उन दो कैटेगरी के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद कुछ अदर इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट के लिए लिया गया है, इसरो के द्वारा लिया गया है, जिसका नाम है युविका 2019 भी बोला जा रहा है, युविका 2019 जो इसरो के द्वारा लिया गया है। दूसरा इनिशिएटिव है युविका 2019, जो ये डील करता है संवाद विद स्टूडेंट्स। और ये था हमारा ध्रुव तारा, द फर्स्ट बैच ऑफ ध्रुव प्रोग्राम, इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो ये दो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किसके द्वारा लिए गए हैं? इसरो के द्वारा लिए गए हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ पेन डाउन करनी है, दोनों इनिशिएटिव्स आपको साथ साथ लिख लेने हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट 2025 इनिशिएटिव है, इसका एम क्या है? टू एंड हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन बाई 2025। इसलिए इसका नाम कॉम्पैक्ट 2025 इनिशिएटिव लिखा गया है। ये जो इनिशिएटिव है, इनिशिएट किया जा रहा है IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ये नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। इसका मुझे आप हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पर है, और इसका विज़न क्या है? अ वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, इसका जो मेन है ये इनका इनिशिएटिव है। और इसका जो 4 कंट्रीज़ में इनिशियली फोकस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में है ये आपको याद करना है, बांग्लादेश, इथियोपिया, मालावी एंड रवांडा, इनों में इनका ये मेन फोकस है। नेक्स्ट क्रम फिर देखते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2020, जो कि एनुअल फ्लैगशिप इवेंट था ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। इसकी थीम क्या थी? 2030 गोल्स, टूवर्ड्स 2030 गोल्स, मेकिंग द डिकेड काउंट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे साफ ही पता चल रहा है कि इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इनकी परफॉर्म करना चाहते थे। तो ये कॉमन
प्लेटफॉर्म जो कर रहे हैं इशू रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेटिक इश्यूज ऑफ यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, इससे रिलेटेड है। देखें ये करंट फेज आपके वन लाइनर भी बन जाते हैं, प्लस इसमें कोई अगर हेडक्वार्टर दिखता है हमें या फिर कोई भी हमें ऐसी चीज़ पता चलती है तो उसके हमने हेडक्वार्टर देखना कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, वो सब क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इन सब चीज़ों में। न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो कि एक कोल्ड वॉर ट्रीटी थी, साइंड हुई थी 1987 में बाय यूएसएसआर एंड यूएसए। आई होप यूएसएसआर एंड यूएसए की सभी को फुल फॉर्म पता ही होगी। तो ये ट्रीटी 2009 में सीज होगी, स्टार्ट वन जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी हम बोलते हैं इसको, और INF ट्रीटी जो कंटिन्यू रही बिटवीन यूएसए, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड यूजाकिस्तान, ये सभी आपको कंट्रीज़ के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टार्ट वन केम इन टू फोर्स इन 2011 में, ये इनफोर्स में आई, तो इसका आपको मेनली इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का आपको मेनली क्या याद रखना है कि कब आई। उसके बाद ट्रीटी सीज टू एग्जिस्ट इन अगस्त 2019 स्टार्ट वन, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको ये याद करना है, बाकी आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, यूथ कोल ऐप जो कि क्रिएट की गई 2017 में बाय UNDP, इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे कहाँ पर है। इसका एम था टू एस्टेब्लिश अ कॉमन एजेंडा फॉर कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू एम्पावर एंड इन्वेस्ट इन यूथ सो दैट दे कैन एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आप देखते हो ये मंथ में पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमें देखने को मिल रहा है, तो ये ज्वाइंट एंडेवर बिटवीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं आपके, UNDP इंडिया के बीच और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, इन तीनों के बीच में ये हमारा ज्वाइंट एंडेवर है। और ये फोकस किस में किया जा रहा है, यंग पीपल को सपोर्ट करने के लिए, कुछ इनोवेशन के लिए यंग पीपल की, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, तो इन सभी से ये क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, तो इसमें 6 SDGs किए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो कौन कौन से हैं। जेंडर इक्वालिटी, SDG की फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। तो ये 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको याद करने हैं, ये पेपर में पुट किए जा सकते हैं। और ये यंग पीपल्स को इनवाइट कर रहे हैं, यंग पीपल को ये इनवाइट किया जा रहा है, 18 to 29 ईयर्स के जो यंग पीपल्स हैं, तो इसका एज ग्रुप भी आपको याद करना है, यंग पीपल को क्यों ऐड किया जा रहा है, कि जो स्टार्टअप हैं कुछ आइडियाज़, कुछ सॉल्यूशंस जो टैकल किए जाएं, जो सोशल चैलेंजेस हैं, बिगेस्ट सोशल चैलेंजेस जितने भी हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए ये चीज़ की गई है। इसका नाम क्या है, यूथ को लैब, ठीक है, ये आपको देखना है। अनेमिया मुक्त भारत 6x6x6 स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जो कि ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द पोषण अभियान। तो हर एक साल जो ये बीमारी है अनीमिया, ये 3% पर ईयर क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, तो इनको किस तरीके से इन्होंने 6 पॉपुलेशन ग्रुप के अंडर माना लेके आया है, 6 इंटरवेंशंस के अंडर लेके आया है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंडर लेके आया है,
तो इसलिए इसको इन्होंने क्या बोला है, 6 × 6 × 6 स्ट्रेटजी। जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं 5 to 59 months के लिए अंडर, उनके ऊपर टेक केयर 5 to 9 years, 10 to 19 years, प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये सब मतलब इन्होंने एज ग्रुप्स बना दिए हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके की हमारी पॉपुलेशंस हैं, क्योंकि ये जो एनेमिया है हमारा मेनली इन एज ग्रुप्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये 6 इंटरवेंशंस हैं जो इन्होंने किए हैं। देखिए ये पढ़ रहे हैं सिर्फ, ये याद मत करना, ये याद हो भी नहीं सकती हैं। जस्ट एक बार पढ़ लें आप, 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये सारी की सारी सप्लीमेंटेशंस वगैरह बता रखी हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बता रखा है। तो ये इसलिए हमने इसको 6 × 6 × 6 बताया है। तो ये एक बार पढ़ लेना, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सॉरी नेक्स्ट, अब ये करंट फेज हमारे इस मंथ के ख़त्म हो ही चुके हैं। तो ये टोटल इतने करंट फेज थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट फेज हैं। देखें वही मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ, प्लस करंट फेयर मैगजीन जो दे रहा हूँ वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये उससे डिफरेंट हैं कुछ, जो शायद उसमें नहीं है उसमें या कम है, तो मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप याद करते रहें। देखें काफ़ी बच्चे हैं जो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, पर ये ऐसी चीज़ें आपको क्लैट, पीयू, डीयू, एनएलयू दिल्ली, हर एक एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेंगी। तो स्पेसिफिकली अगर मैं क्लैट और डीयू की बात करूं, आपको ये पक्का देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको वन लाइनर करंट फेस करवाऊंगा, जो कि वन लाइनर होंगे, तो वो भी हम अलग से देखेंगे। तो पहले हम अभी सितंबर से लेके दिसंबर तक के करंट फेस देखने के बाद, उसके बाद हम सितंबर से लेके दिसंबर तक के वन लाइनर करंट फेस को देखेंगे। पढ़ते रहें, मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।